जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो अकल के दरवाजे पे एक दस्तक होती है। ले अब मेरे कैमरा पर। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद डायरेक्टर आदित्य धर को लेकर चर्चा थी कि इस फिल्म के बाद वह विकी कौशल के साथ द इमोर्टल अश्वत्थामा बनाएंगे। इस फिल्म से विकी कौशल का नाम शुरू से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन बाद में खबर आई कि इसके लिए रणवीर सिंह को अप्रोच किया जा रहा है। इसके बाद फिर सुनने में आया कि डायरेक्टर इसके लिए पैन इंडिया सुपरस्टार की तलाश कर रहे हैं, जिसके बाद इस फिल्म से सलमान खान और साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का नाम सामने आया। हालांकि इसको लेकर आदित्य धर की ओर से कुछ नहीं कहा गया। अब आर्टिकल 370 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उन्होंने खुलासा किया कि द इमोर्टल अश्वत्थामा बंद कर दी गई है। आदित्य धर ने कहा, फिल्म ठंडे बस्ते में है, मैं आपके साथ बहुत ईमानदार रहूंगा। फिल्म के लिए मेरा जिस तरह का दृष्टिकोण था वह भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ा है। जिस VFX गुणवत्ता की हम तलाश कर रहे थे उस पर अभी तक किसी ने प्रयास भी नहीं किया है। दुर्भाग्य से जब तक यह तकनीक सस्ती नहीं हो जाती या सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या नहीं बढ़ जाती, मुझे इंतजार करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने जेम्स कैमरॉन का उदाहरण देते हुए कहा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जेम्स कैमरॉन ने 27 साल पहले अवतार के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने बाजार के बढ़ने और टेक्नोलॉजी के उस स्तर तक पहुंचने का इंतजार किया जहां वे कर सके वास्तव में इसे प्रस्तुत करे। मैं कोई जेम्स कैमरॉन नहीं हूं, फिर भी इरादा तो होना ही चाहिए। यदि हमें वह हासिल करना है तो कोई सामान्यता नहीं हो सकती। भले ही यह मेरी जिंदगी का प्राइम टाइम है, लेकिन फिल्म बेहतरीन होनी चाहिए। एक बार जो फिल्म बनती है वह अगले 200 से 300 साल तक टिकी रहती है। हो सकता है मेरी मंशा गलत हो, लेकिन मैं इससे पैसा कमाना चाहता हूँ। ऐसे में अगर द इमोर्टल अश्वत्थामा के मेकर सलमान खान के साथ हाथ मिलाते हैं तो VFX सहित कई सारी चीजें के लिए आसान हो जाएगी। खैर, पिछले दिनों सलमान खान का नाम इस फिल्म से जुड़ चुका था, इसीलिए सलमान खान फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डायहार्ट फैन हैं तो ऐसे ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।